अलमैकम जो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुशो आबाद होंगे दोस्तों सतारा साल की एक खूबसूरत तरीन लड़की दुआ जहरा जो कि कराची से ताल्लुक रखती हैं उनको गुमशुदा हुआ छठा रोज उनके वालदे का रो रो कर बुरा हाल वाल का अपनी बेटी की बाजियाबी के लिए फर्याद मदाहों ने भी उनकी ज़िंदगी और उनकी बाजियाबी के लिए बहुत सी दुआएं। दोस्तों दुआ जहरा कौन थी और उनको किसने अगवा किया मुकम्मल तफसीलात बताएंगे हम आपको आज के इस वीडियो में उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को विदाउट स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखेगा दोस्तों दुआ जहरा जो कि कराची से ताल्लुक़ रखती हैं और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लड़की हैं और इनकी उम्र भी बहुत ज़्यादा कम है और ये 16 साल की लड़की हैं दोस्तों जब ये गुमशुदा हुई तो ज़्यादा ये सोशल मीडिया पर तब ट्रेंड करने लगी जब इनकी वालदा का शान रमज़ान में आकर रो रो कर अपनी बेटी की बाजियाबी के लिए के लिए लोगों से अपील उनका कहना था कि मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि कोई मेरी बेटी को ढूंढ दे ना सिर्फ उन्होंने लोगों से दरख्वास्त की बल्कि उनका कहना था मेरी हुकूमत और चीफ़ जस्टिस बल्कि सभी से दरख्वास्त है कि मेरी बेटी बहुत मासूम और सीधी सादी लड़की है उसके किसी से दुश्मनी नहीं उसकी तो उम्र भी बहुत ज़्यादा कम है मैं आपसल से अपील करती हूँ कि कोई मेरी बेटी को ढूँढ दोस्तों दुआ ज़ाहरा की गुमशुदगी को लेकर हमारे पाकिस्तान के मशहूर तरीन फनकार भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए इनके लिए बहुत ज़्यादा दुआ गो हैं सजल अली इमरान अब्बास माहिरा ख़ान यमुना जैदी और भी बहुत से अदाकार हैं उनका कहना था कि हम सबकी हुकूमत से अपील है कि इनको बाजियाब कर दोस्तों वैसे तो पाकिस्तान में ना किसी माँ बहन बेटी की इज्जत महफूज है ये तो कोई नहीं जानता कि दुआ ज़ाहरा को किस मकसद के लिए अवा किया गया है और क्यों किया गया है लेकिन दोस्तों हमारी आपसे अपील है कि आप भी दुआ ज़ाहरा के लिए दुआ हुईगा अल्लाह ताला इनको अपने घर की खुशियाँ और इनके माँ बाप से मिलना नसीफ़ और मैं इसी के साथ इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफि